मॉर्निंग गाइज तो आज हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस का तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिड बेस बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस में हमने बात करी थी एसिड बेस बैलेंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिड वाट बेस वाट एंड हाउ इट रेगुलेट्स बॉडी के अंदर एसिड और बेस कैसे रेगुलेट होते हैं तो वी हैव डिस्कस्ड बफर बफर देन रीनल रीनल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो दिस रेगुलेशन वी हैव डिस्कस्ड और बफर में हमने अलग अलग प्रकार के चार बफर पड़े थे आज हम डिस्कस करेंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द एसिड बेस इम्बैलेंस एसिड बेस इम्बैलेंस तो दे इज टू टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस वन इज योर एसिडोसिस एंड अनादर वन इज योर एल्किलोसिस वन इज़ योर एसिडोसिज अनादर वन इज़ योर एल्किलोसिस तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ब्लड हमने नॉर्मल पैरामीटर देखे दैट इज़ पी एच सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव देन योर पी सी ओ टू यहीं से लेना थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव एम एम ऑफ एच जी बाइकार्बोनेट 22 ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी सेवन मिलीक्लेंट पर लीटर मेनली आपको ये तीन पैरामीटर याद रखने हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट एग्जाम के अंदर आएगा या तो पी एम्स के अंदर अभी पूछा गया था कि नॉर्मल पी ऑफ ब्लड उसके बाद पी सी पूछा गया था एक बार कि नॉर्मल पी सी कितना होता है बाई कार्बोन कितना होता है बी एच के अंदर पूछा गया था तो और पी ओ टू लास्ट 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 वन इज योर पी ओ टू दैट इज योर एट्टी टू हंड्रेड एम एम ऑफ एच एच जी तो दीज आर द फोर पैरामीटर्स ऑफ ब्लड और इनको ही आपको याद रखना है तो विल डू ए बी जी एनालिस इसके द्वारा हम ए बी जी एनालिस करेंगे तो ए बी जी एनालिस के अंदर हम क्या करते हैं तो ए बी जी एनालिस के अंदर हम सैंपल लेते हैं और वो लेते हैं आर ब्लड आरट्रेल ब्लड लेते हैं और आर ब्लड लेने से पहले हम आर्टरी को पंक्चर करते हैं तो आर्टरी को पंक्चर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं एलेंस टेस्ट एलेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम के अंदर आया है लगभग लगभग डी एस एस वी एम्स रेलवे आई होप जितने नर्सिंग के पेपर हुए उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन बिफोर द ए बी जी आरटिल ब्लड गैस लेने से पहले आर्टिल सैंपल लेने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है तो आर्टिल सैंपल से पहले एलेंस टेस्ट किया जाता है राइट right? तो एलेंस टेस्ट क्यों अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है तो एलेंस टेस्ट इज़ डन फॉर कोलेट्रल सर्कुलेशन एलेंस टेस्ट किया जाता है वो कोलेट्रल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है कोलेट्रल सर्कुलेशंस को चेक करने के लिए किया जाता है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है ये कि एलेंस टेस्ट कोलेट्रल सर्कुलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है और दूसरी जो बात है वो एलन टेस्ट ए बी जी से पहले किया जाता है ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो बेसिक बता रहा हूँ चलो अब आगे बात करते हैं कोलेट्रल में भी आपका पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अनर आर्टरी कोलेट्रल मतलब पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी ये ज़रूर याद रखना राइट तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो अब देखें एसिड बेस डिस्पेंसिस अब एसिड बेस बैलेंस के अंदर दो चीज़ें बता दी मैंने एक तो होता है आपका एसिडोसिस और दूसरा होता है आपका एल्केलोसिस एसिडोसिस एंड एल्किलोसिस तो जब पी एच आपकी सेवन पॉइंट थ्री फाइव से बिलो चली जाए तो वो होगा आपका एसिडोसिस क्लियर और अगर आपकी पी एच सेवन पॉइंट फोर फाइव से ऊपर चली जाए तो वो होगा आपका एल्लोसिस तो वन इज योर एसिडोसिस अनादरवन इज योर एल्किलोसिस एसिडोसिस आपका दो प्रकार का होता है और एल्किलोसिस आपका दो प्रकार का होता है एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो एसिडोसिस अगेन टू टाइप्स वन इज respiratory एसिडोसिस अनादर वन इज योर metabolic एसिडोसिस तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबोलिक एसिडोसिस उसी तरह alkalosis दो प्रकार का रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एंड मेटाबोलिक एल्किलोसिस वन बाय वन एक करके डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से बताऊंगा सारे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा तो अब डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है तो आपको याद रखना है एक ट्रिक आर ओ एम ई रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबोलिक इक्वल क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा तो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल राइट अब चलो अब देखते हैं हाँ आगे की बात तो एसिड बेस डिस्टरबेंसेस में आपको क्या देखना है एक तो पीएच देखनी है तो नॉर्मल पीएच आपको 7.4 अगर 7.38 से नीचे है तो एसिडेमिया 4.2 से ऊपर है तो एल्केलेमिया उसके बाद आपको चेक करना पी एच के बाद आपको पी चेक करना है उसके बाद आपको बाईकार्बन चेक करना है बाई चेक करना है पी सी चेक करना है कंपनसेशन के लिए याद रखना अगर कंपनसेशन की बात करेंगे तो जब भी पी एच से बिलो होगी पी एच थ्री फाइव से सेवन पॉइंट फोर के बीच होगी तो वो होगा आपका एसिडोटिक कंपनसेशन, और सेवन पॉइंट फोर जीरो से सेवन पॉइंट फोर फाइव होगी तो वो होगा आपका एल्केलोटिक कंपनसेशन, एल्केलोटिक कंपनसेशन ये ज़रूर याद रखें आगे बताऊंगा कि किसके सारे आंसर क्लियर करूंगा यस yes, तो एसिडोटिक कंपनसेशन एंड एल्कोलोटिक कंपनसेशन देन योर असिस इज एन आइ गैप अस द चेंजेस इन सीरम एन आइएन गैप एन आइ गैप आपको कोशिश करना है ये भी इंपॉर्टेंट है एन आई गैप आगे जब मेटाबोलिक एसिडोसिस की बात करेंगे वहाँ हम एन आइ गैप को डिस्कस करेंगे देन अस देयर एनी अंडरलाइंग कॉज तो ये आपको इस तरीके से हम एसिड बेस को चेक कर दी ये आपकी आउटलाइन है राइट आउटलाइन ऑफ एसिड बेस डिस्टर्बेंसेज अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है देखो देर इज वन इज एसिड अनादर वन इज योर बेस अब बॉडी एसिडोसिस कब होगा जब बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं समझे बात को देखो अब एसिड पहले हम बात करते हैं एसिडोसिस की तो एसिडोसिस दैट मीन्स आपकी एक बात समझ में आ गई होगी कि इंक्रीज एसिड इन बॉडी इंक्रीज एसिड इन बॉडी अब मेरे पास दो चीज़ें हैं एक तरफ एसिड है और एक तरफ बेस है राइट इस तरह जो है अब मुझे एसिड एसिडो से दैट मीन्स एसिड को बढ़ाना है तो एसिड को बढ़ाना है इसका मतलब दो इस पलडे को मुझे भारी करना है तो इस पलडे को मैं दो तरीके से भारी कर सकता हूँ या तो मैं इसके अंदर एसिड ऐड कर दूँ या तो मैं इसके अंदर एसिड एड कर दूँ या फिर मैं इसके अंदर से बेस को इस पलटे से बेस को बाहर निकाल दूँ इस पलटे से बेस को बाहर निकाल दूँ तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस किस कंडीशन के अंदर होगा तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस कब होगा तो एसिडोसिस के अंदर या तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड और रिमूव बेस फ्रॉम द बॉडी रिमूव बेस फ्रॉम बॉडी तो इन दो चीज़ों से आपका बॉडी के अंदर एसिडोसिस होगा राइट right? अब देखो तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड और लॉस ऑफ बेस इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस एन तो जब पी एच आपका डिक्रीज होगा पी एच डिक्रीज कब होगा पी एच डिक्रीज मतलब एसिडोसिस और एसिड कब होगा जब एच प्लस एन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जब बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा और एसिड कब बढ़ेगा या तो एसिड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो या फिर बेस बॉडी से बाहर निकल जाए उसी तरह आपका राइज मतलब बेस कब बढ़ेगा एल्केलोसिस कब होगा तो एल्किलोसिस के लिए सेम एल्केलोसिस की अगर हम बात करें तो एल्केलोसिस वही सेम कहानी एसिड एंड बेस तराजू तो मुझे अगर बेस को बढ़ाना है तो या तो बॉडी के अंदर बेस का प्रोडक्शन बढ़े या रिमूव एसिड फ्रॉम बॉडी तो उस कंडीशन के अंदर पी एच राइस होगी तो एल्केलोसिस के अंदर आपका क्या होगा एल्केलोसिस के अंदर या तो एसिड बॉडी के अंदर से निकल जाए या बॉडी के अंदर से बेस बढ़ जाए और बेस बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपकी पी एच जो है वो बढ़ जाएगी तो इज इट क्लियर तो इस तरीके से आपका बॉडी के अंदर एसिड और बेस रेगुलेट होता है किस तरी इस तरीके से आपका इम्बेलेंस होता है कि एसिड कैसे बढ़ता है और बेस कैसे बढ़ता है दोनों चीज़ें क्लियर नाउ नेक्स्ट तो ये आपका बेसिक हो गया कि हाउ पी एच कैसे घटती है और पी एच कैसे बढ़ती है अब हम बात करते हैं एसिडोसिस और एल्किलोसिस की तो एसिडोसिस यहाँ लिखा हुआ है कि एल्किलोसिस दैट मीन्स पी एच की मतलब पी एच बढ़ जाए एसिडोसिस दैट मीन्स डी फॉर डिक्रीज और यहाँ एक ट्रिक और याद रख सकते हैं के लो के लो मतलब एल्केलोसिस के अंदर पोटेशियम लो होता है इसको के लो से याद रख सकते हैं के लो मतलब पोटेशियम लो इन एल्केलोसिस एंड एसिडोसिस के अंदर पोटेशियम हाई होता है तो पोटेशियम एसिडोसिस के अंदर तो पोटेशियम हाई होता है लेकिन एल्केलोसिस के अंदर पोटेशियम लो होता है इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट तो ये तो बात हुई आपकी एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे एसिडोसिस एल्किलोस एसिडोसिस दो प्रकार का बताया मैंने एक तो आप बताया आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और दूसरा आपका मेटाबॉलिक एल्किलोस मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसी तरह एल्किलोसिस दो प्रकार का रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एंड मेटाबोलिक एल्किलोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाई कम होता है और जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर कार्बोनिक एसिड मतलब सी इंक्रीज होता है तो सी राइज इसके अंदर आपका सी राइज होगा और इसमें आपका बाईकार्बोनेट कम होगा उसी तरह एल्केलोसिस की बात करें तो एल्केलोसिस के अंदर आपका बाइकार्बोनेट रेज होगा जबकि रेस्पिरेटरी के अंदर आपका CO2 टू रिड्यूज होगा सी ओ टू डिक्रीज होगा तो ये है आपका टाइप्स ऑफ एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस नाउ अब एसिड बेस इम्बेलेंस ये बता चुका हूँ कि जब पीएच 7.35 से बिलो तो एसिडोसिस 4.5 से ऊपर तो एल्केलोसिस अब एसिड बेस इंबेलेंस के अंदर कंपनसेशन होता है जिससे कि बॉडी की पीएच रेगुलेट होती है और उसको आपका नॉर्मल की तरफ लाती है तो जब बॉडी के अंदर एसिड होगा तो बॉडी क्या करेगी उसको कंपनसेट करेगी और उस पीएच को नॉर्मल करने की कंपनसेशन का मतलब होता है टूआर्ड द नॉर्मल कंपनसेशन का मतलब होता है कि अब एसिडोसिस हुआ है जिससे पी एच सेवन पॉइंट थ्री हो जीरो हो गई तो ये कंपनसेशन में क्या करेगा कि अब इस पी एच को धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ लाएगा तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये पार्शियल कंपनसेशन लेकिन पी एच अगर नॉर्मल पहुँच गया सेवन पॉइंट थ्री सेवन तो ये होगा आपका फुल कंपनसेशन उसी तरह पी एच ज़्यादा है सेवन पॉइंट फाइव जीरो है तो ये आपका सेवन पॉइंट फोर सेवन आया तो पार्शियल कंपनसेशन लेकिन अगर आपका नॉर्मल पी एच हो गई तो ये आपका फुल कंपनसेशन तो अगर फोर जीरो से ऊपर है पी एच तो फोर ज़ीरो से फोर फाइव के बीच है तो वो आपका एल्किटिक कंपनसेशन होगा और सेवन पॉइंट थ्री जीरो से थ्री फाइव के बीच है तो वो आपका एसिडोटिक कंपनसेशन होगा चलो तो ये हो गया आपका कंपनसेशन अब देखो कंपनसेशन कैसे होता है तो कंपनसेशन के लिए एक छोटी सी बात जान लेते हैं हम कि बॉडी कम्पनसेट कैसे करती है जैसे आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जैसे मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हैं तो उस कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा राइट मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या हो रहा है सी ओ टू बढ़ रहा है अब सी ओ टू बढ़ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एसिड बढ़ रहा है क्लियर अब ये बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है तो उस एसिड को कंपनसेशन करने के लिए ये मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा और मेटाबॉलिक कंपनसेशन में क्या करेगा रिनल जो है वो बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या है बेस है बाइकार्बोनेट को भी बढ़ा देगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा एसिड बढ़ा उसके साथ साथ बेस भी बढ़ा तो ये जो बढ़ा हुआ बेस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा उसी तरह अगर आपका रेस्पिरेटरी सॉरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है बाइकार्बोनेट रिड्यूस होता है रिड्यूस बाइकार्बोनेट तो अब बाइकार्बोनेट रिड्यूस हो रहा है है ना बेस कम हो रहा है तो अब क्या होगा बेस कम हो रहा है तो बॉडी क्या करेगी एसिड को भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उस कंडीशन के अंदर बॉडी क्या करेगी बॉडी आपका रेस्पिरेटरी कंपनसेशन करेगी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन करके और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के द्वारा बाइकार्बोनेट कम है तो सीओ टू को भी कम कर देगी सीओ टू क्या है एसिड तो एसिड को भी कम कर देगी एसिड को वॉश आउट कर देगी राइट right? तो एसिड को वाश आउट कैसे करेगी बाय द रेस्पिरेटरी कम्पन्सेशन हाइपर वेंटिलेट करके तो हाइपर वेंटिलेशन होगा तो सीओ टू बाहर निकल जाएगी तो बॉडी के अंदर एसिड कम हो जाएगा तो बेस कम तो एसिड भी कम तो इस तरीके से आपका कम, मेटाबोलिक कंपनसेशन होगा आगे कंपनसेशन की बातें करेंगे चलो तो इफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज मेटाबोलिक तो अगर आपका मेटाबॉलिक है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा हाइपर वेंटिलेशन और हाइपर वेंटिलेशन तो ये रेस्पिरेटरी कंपन अगर मेटाबॉलिक एसिडोसी एल्केलोसिस है तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा और अगर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक है रेस्पिरेटरी एसिडो से एल्केलोसिस है तो रीनल मैकेनिज्म के द्वारा मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगा तो मेटाबॉलिक एसिडो से एल्केलोसिस तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस तो मेटाबॉलिक कंपनसेशन तो ये दो इस तरीके से बॉडी आपकी कंपनसेट करती है कंपनसेशन को अपन आगे बात करेंगे और अच्छे से चलो नेक्स्ट तो ये कॉजेज ऑफ एसिडोसिस तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज हैं ये लिखे हुए बट आगे हम डिटेल में बात करेंगे कॉज ऑफ एल्कोलोजीज अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तो रेस्पिरेटरी अगर एसिडोसिस की बात करूँ तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो यहाँ आपको याद रखना है कि पी तो आपकी डिक्रीज होती है और पी सी ओ टू तो आपकी इंक्रीज होती है बताया था ना कि रेस्पिरेटरी ऑपोजिट आर ओ एम रॉम बताया था रॉम तो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल तो रॉम रेस्पिरेटरी में ऑपोजिट मतलब पी एच घटेगा तो पी एच यू टू पी सी ओ टू बढ़ेगा और पी एच बढ़ेगा तो पी सी ओ टू घटेगा राइट तो अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पीछे कारण क्या है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जब भी बात करते हैं हम तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लाइक सीओपीडी, अस्थमा एटेलैक्टेसिस ये सब तो जब जब आपका क्या होगा हाइपोवेंटिलेशन होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा सी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी राइट तो यहां पर क्या क्या हाइपोवेंटिलेशन देखो हाइपोवेंटिलेशन अस्थमा एटेलैक्टिस ब्रेन ट्रोमा ब्रेन ट्रोमा की वजह से क्या होगा रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा तो आर डिक्रीज होगा आर आर डिक्रीज तो आर आर डिक्रीज होगा उस कंडीशन के अंदर पेशेंट हाइपोवेंटिलेट होगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सी ओ टू बढ़ जाएगी राइट और सी ओ टू बढ़ेगी तो ब्रेन ट्रामा ब्रोंकेटेसिस ब्रोंकाइटिस सीएनएस डिप्रेशन सीएनएस डिप्रेशन की वजह से भी आपका वही रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस एम फाइसेमा हाइपोवेंटिलेशन आ गया आर आर डिक्रीज पल्मोनरी एडिमा न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी पलमोनियम्बल तो जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है तो अब एक एक्साम्पल के साथ समझते हैं कि देखो पीएच आपका सेवन पॉइंट थ्री जीरो है पी टू आपका फिफ्टी है बाइकार्बोनेट आपका ट्वेंटी फाइव है तो अब आपको सबसे पहले तो पीएच देखना है पीएच देखा पीएच को देखकर पीएच डिक्रीज पीएच डिक्रीज है मतलब एसिडोसिस हो गया एसिडोसिस होगा तो अगर रेस्पिरेटरी है तो सीओ टू इंक्रीज होगा तो सी ओ टू देखते हैं सी ओ टू इंक्रीज मतलब रेस्पिरेटरी अपॉजिट रिलेशन मिल गया और बाइकार्बन आपका नॉर्मल है जब बाईकार्बन नॉर्मल सिर्फ दो ही वैल्यू के अंदर डी अरेंजमेंट हो तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर पार्शियल कम्पनसेशन अब पार्शियल कम्पनसेशन याद रखना जब आपका पी एच नॉर्मल हो तो दो चीज़ें होती है या तो पूरी वैल्यू नॉर्मल होगी या फिर फुल कम्पनसेशन हो गया जब केवल पी के साथ कोई एक वैल्यू डी अरेंज हो तो वो हुआ आपका अनकम्पनसेटेड पीएच के साथ ये देखो ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पी के साथ एक ही वैल्यू डी अरेंज है दूसरी वैल्यू नॉर्मल है तो जब पी के साथ एक वैल्यू डी अरेंज हो तो वो होगा अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी पीएच तो डी अरेंज होगी लेकिन पी के साथ पीसीओ टू और बाइकार्बन कोई एक डी अरेंज हो तो वो होगा आपका अनकम्पनसेटेड एलकेलोसिस या एसिडोसिस और यहां पर आपका चूंकि पीएच कम है तो ये एसिडोसिस है और पीसीओ टू बड़ा हुआ है दैट मीन्स अनकटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं ध्यान से समझना अब दूसरे में बात कर रहा हूं पार्शियली कंपनसेटेड पार्शियली कंपनसेटेड दैट मीन्स अब पीएच क्या है पीएच तो अभी भी लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है दैट मीन्स कंपनसेशन हुआ है बॉडी ने कंपन उस एसिड को मेंटेन करने की कोशिश की है पीसीओ टू पहले फिफ्टी था अभी फोर्टी एट हो गया बाइकार्बोनेट आपका पहले ट्वेंटी फाइव था अब चूंकि आपको सी ओ टू को कम करना है तो आपको बेस को तो बढ़ाना पड़ एसिड को कम करना है दैट मीन्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा और बेस को बढ़ाएंगे तो ये हो गया आपका बेस ट्वेंटी नाइन और पी ओ टू नॉर्मल तो अब देखो पी एच डिक्रीज़ पी सी ओ टू इंक्रीज बाई कार्बोनेट इंक्रीज देखो जब तीनों वैल्यू डीअरेंज हो तो इसका मतलब यह है कि दैट इज योर पार्शियली कंपेंसेटेड जब तीनों वैल्यू डीअरेंज हो तो ये हुआ आपका पार्शियली कंपेंसेटेड अब पार्शियली कंपनसेटेड जब तीनों वैल्यू डीअरेंज हो गई तो पार्शियली कंपनसेटेड और है क्या 7.32 मतलब एसिडोसिस एसिडोस अब मुझे पता करना है मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है तो मैं देख लूंगा रिलेशनशिप तो पीएच डिक्रीज पीसीओ2 इंक्रीज तो ये हुआ आपका इन दोनों के बीच रिलेशन तो रेस्पिरेटरी में हो रहा, रहा है तो ये हुआ पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दैट इज योर पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब अगली बात करते हैं फुल्ली कंपनसेशन की तो अगर फुल्ली कंपनसेशन की बात करें तो देखें फुल्ली कंपनसेशन अब इसके अंदर क्या होगा पीएच बिकम नॉर्मल तो याद रखना जब पीएच नॉर्मल हो पी नॉर्मल हो तो एक ही बात होगी या तो वो पूरी वैल्यू नॉर्मल होगी या फिर फुल्ली कंपनसेटेड होगी राइट अब पी के साथ अगर सारी वैल्यू नॉर्मल है तो वो नॉर्मल स्टडी है लेकिन पी नॉर्मल है और बाकी दोनों चीज़ें एब नॉर्मल है पी टू और आ, आ, बाई कार्बोनेट एब नॉर्मल है अब पी सी क्या होगा पी सी अभी भी 47 सेवन बाई कार्बोनेट थर्टी पी ओ टू हंड्रेड तो अब देखो पी एच नॉर्मल है तो पी एच नॉर्मल मैंने पहले ही बताया था कि अगर सेवन पॉइंट फोर जीरो से नीचे की तरफ पी एच है तो वो आपका कंपनसेशन होगा एसिडोटिक कंपनसेशन और पी एच सेवन पॉइंट फोर जीरो से ऊपर होगा तो वो होगा आपका एल्कोलोटिक कंपनसेशन तो अब यहाँ पी एच नॉर्मल पी सी ओ टू इंक्रीज बाई कार्बोनेट इंक्रीज तो अब पी एच नॉर्मल है तो मैं मान लूंगा कि या तो नॉर्मल है या फुल्ली कंपनसेशन है चलो मैं लिखता हूँ फुल्ली कंपनसेटेड क्योंकि नॉर्मल वैल्यू है तो दो ही चीजें हो सकती है या तो नॉर्मल वैल्यू होगी या फिर फुली कंपनसेशन हो ये हो गया फुली कंपनसेशन अब ये कौन सा है सेवन पॉइंट थ्री सिक्स है मतलब एसिडोटिक कंपनसेशन तो फुल्ली कंपनसेशन एसिडोसिस अब मुझे पता करना है कि रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक अगर रेस्पिरेटरी होगा कंपनसेशन तो सी ओ टू इंक्रीज़ होगी क्योंकि एसिडोसिस के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर सी ओ टू इंक्रीज होता है तो मुझे सी ओ टू देखनी है तो अभी मुझे यहाँ सी ओ टू इंक्रीज ही नजर आ रही है सी ओ टू एसिडोटिक कंपनसेशन है और अगर सी ओ टू इंक्रीज़ नजर आ रही है इसका मतलब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन तो ये होगा आपका फुल्ली कम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि कैसे फुल्ली कंपनसेशन निकालना है कैसे हमें पार्शियली कंपनसेशन निकालना है और कैसे हमें अनकम्पनसेटेड निकालना है तो यहाँ पर आपको बता दूँ बस सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि पीएच को देखना है अगर पीएच आपका अगर पीएच एच टू और बाइकार्बोनेट अगर तीनों डी no है तीनों डी no मतलब बड़े हुए या घटे हुए हैं तीनों ही डी एर है तो मतलब समझ जाना कि वो पार्शियली कंपनसेशन है और दूसरा अगर पी एच के साथ पी एच और उसके साथ कोई एक उसके साथ कोई एक कोई एक कौन सा या तो सीओ टू या बाइकार्बोनेट तो वो होगा आपका कौन सा अनकम्पनसेड एसिडोसिस या एल्किलोसिस और अगर पीएच नॉर्मल है पीएच नॉर्मल और पीएच के साथ पीएच तो नॉर्मल है लेकिन पी टू और बाइकार्बोनेट कार्बोनेट डिअरेंज तो उस कंडीशन के अंदर होगा फुल्ली कंपनसेशन बस ये रामबाण याद रखना आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा ये मेरी गारंटी यस yes. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अब यहाँ तक रेस्पिरेटरी समझ में आ गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में तीनों चीज़ें बताई दी मैंने कि व्हाट इज दुली फुली कम्पनसेशन देख लिया पार्शियली कम्पनसेशन देख लिया और अनकम्पनसेटेड देख लिया तीनों चीज़ें देख ली अब साइन एंड सिम्टम्स ड्राउजनेस डिसियंटेशन डिजी हेड एक्क कॉमा डिक्रीज बीपीएन वेटी वी है दैट इज योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बता चुका इट इज़ एन इंक्रीज कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड तो सी का लेवल बढ़ जाता है राइट right? तो ड्यू टू रिटेंशन ऑफ सी और रिटेंशन किसकी वजह से होता है हाईपर वेंटिलेशन हुआ ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो एसिडोसिस के कॉज देख लो न्यूमोनिया एम अस्थमा सी ओ डिप्रेशन डिप्रेस एस्प्रेसेंटर पलमोनिया एडिमा उसके अलावा आपका सिम्टम ब्रिथलेसनेसनेस रैपिड शेलो रेस्पिट्रेशन डिथारजियन डिसोरियंटेशन ड्राउजन डिसोरियन टैमर कन्वर्जन कोमा चलो नेक्स्ट कंपनसेशन रेस्पिरेटरी तो बता चुका हूं मैं कि आपका सी ओ टू इंक्रीज हो रहा है तो सी ओ टू के साथ साथ क्या होगा रीनल सिस्टम क्या करेगा ये रीऑब्जॉर्बन ऑफ बाई कार्बोनेट एंड रिमूव एसिड एसिड को बाहर निकाल देगा एसिड बाहर तो इस तरीके से बॉडी में कंपनसेशन होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं चलो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अब रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस भी सिंपल एल्किलोसिस के अंदर क्या होता है अब पी क्या होगी इंक्रीज़ होगी पी इंक्रीज़ होगी और पी सी टू डिक्रीज़ होगा पी सी टू डिक्रीज़ होगा तो वही कहानी कि अगर पी को इंक्रीज़ करना है तो पी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं एसिड को या तो कम कर दो या बेस को बढ़ा दो या तो बेस बढ़ जाए बॉडी के अंदर या एसिड कम हो जाए तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है एल्केलोसिस हो सकता है अब बॉडी के अंदर एल्केलोसिस कैसे होगा तो अब सी ओ टू रिमूव कैसे होगी तो सी ओ टू रिमूव कैसे सी ओ टू बॉडी के अंदर कम कैसे होगी जब सी ओ टू बॉडी से ज्यादा बाहर निकले और सी ओ टू बॉडी से ज्यादा कैसे बाहर निकलेगी तो जब आप पेशेंट आपका हाइपर वेंटिलेट होगा हाइपर वेंटिलेट आर आर बढ़ जाएगी तो आर आर बढ़ेगी उस कंडीशन के अंदर आपका सी ओ टू बाहर सी ओ टू ज़्यादा बाहर होगी तो बॉडी के अंदर सी ओ टू कम हो जाएगी बॉडी के अंदर सी ओ टू आपकी कम हो जाएगी तो फीवर फीवर के अंदर भी आर आर बढ़ जाती है हाइपर वेंटिलेशन हाइपोक्सिया हाइपॉक्सिया के अंदर आपका रेस्पिरेटरी सेंटर इंड्यूस हो जाता है और रेस्पिरेटरी सेंटर इंड्यूस होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा आर आर बढ़ जाएगी राइट right? तो सी ओ टू वॉश आउट हो जाएगी हिस्ट्रिया ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन तो जब वेंटिलेटर में आप आरआर बढ़ा देते हो तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका आरआर आर बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा हाइपर वेंटिलेट होगा तो आपका बॉडी के अंदर से सी ओ टू वाश आउट हो जाएगी और पेन पेन के अंदर भी आपका सेम कहानी लिथार्जी लाइट हेडेडनेस कन्फ्यूजन टैकिकारिया डिसमिया टिटेनि नमनेस एंड सीजर्स अब देखें देखो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझते हैं हम नेक्स्ट देखो अब पी मैंने क्या कहा बढ़ेगी तो पीएच अगर आपका ये है सेवन पॉइंट फाइव जीरो पी सी ओ टू थर्टी बाई कार्बोनेट ट्वेंटी फाइव तो अब आपको पहले पीएच देखना है पीएच एच रेंज है पीएच बढ़ा हुआ है पीएच बढ़ा हुआ मतलब एल्केलोसिस हो गया अब दूसरी पी सी ओ टू डिक्रीज है और बाइकार्बोनेट नॉर्मल तो मैंने बताया जब पी के साथ कोई एक वैल्यू ही डीअरेंज हो पी हो उसके साथ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू डीअरेंज हो तो ये हुआ आपका अनकम्पनसेटेड एल्किलोसिस अब मुझे फाइंड आउट करना है ये रेस्पिरेटरी रेस्पेरेटरी मेटाबॉलिक तो मैं रिलेशनशिप देख लूंगा पी एच इंक्रीज पी सी ओ टू डिक्रीज ऑपोजिट रिलेशन है और जब ऑपोजिट रिलेशन होगा तो क्या होगा अनकम्पनसेटिड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ अनकंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्करोसिस का अब दूसरा देखते हम दूसरा एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताता हूँ पार्शियली कंपेंसेटेड। तो पार्शियली कंपेंसेटेड मतलब तीनों वैल्यू डी अब देखो पीएच इज़ यर सेवन पॉइंट फोर एट अभी नॉर्मल की तरफ बड़ा है पी आपका ट्वेंटी नाइन आपका अगेन ट्वेंटी तो पी एच इंक्रीज पी सी ओ टू डिक्रीज तो ये पी सी ओ टू डिक्रीज है तो एसिड डिक्रीज हुआ तो साथ साथ बेस भी डिक्रीज हुआ राइट तो रीअबॉर्ब नहीं किया तो सी भी डिक्रीज तो जब तीनों वैल्यू डी अरेंज हो और तीनों वैल्यू डी अरेंज हो तो वो क्या लाएगा आपका पार्शियली कंपनसेटेड तो ये हुआ आपका पार्शियली टेड अब पार्शियली कंपनसेटेड के साथ आपको ये समझना होगा अब मैं ही समझ गया कि सेवन पॉइंट फोर एट है सेवन पॉइंट फोर एट है मतलब कौन सा हुआ एल्लोसिस एल्लोसिस अब मुझे फाइंड पार्शली कंपनसेटेड एल्केलोसिस पता चल गया अब अगर रेस्पिरेटरी होगा तो सी ओ टू डिक्रीज होगा राइट रेस्पिरेटरी हुआ एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी के अंदर सी ओ टू डिक्रीज होता है और एसिडोसिस के अंदर सी ओ टू इंक्रीज होता है तो मैंने पता किया है यहाँ पर भी आपका सी ओ टू नॉर्मल से कम है डिक्रीज है मतलब पार्शियली कंपन्सेटेड रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली कंपन्सेटेड रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस अब तीसरा एग्जाम्पल दे, देते हैं दैट इज़ यर फुली कंपन्सेटेड फुली कंपन्सेटेड के अंदर मैं बात करूँ तो पीएच आपका क्या होगा 7.40 से ऊपर दैट मीन्स 7.43 7.43 पीसीओ टू आपक पीएच नॉर्मल हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको हमेशा याद रखना है कि पीएच नॉर्मल मतलब या तो फुली नॉर्मल होगी या फिर फुली कंपनसेशन होगा पीएच नॉर्मल पी टू डिक्रीज बाई कार्बोनेट डिक्रीज अब पी एच नॉर्मल है लेकिन पीएच किस तरफ है सेवन पॉइंट फोर जीरो से ऊपर की तरफ है so, जब सेवन पॉइंट फोर जीरो से फोर फाइव के बीच हो तो दैट इज योर एल्केलोटिक कंपनसेशन तो ये तो मैंने लिख दिया फुली कंपनसेशन क्योंकि दो वैल्यू डी अरेंज है फुली कंपनसेशन हुआ और वो भी कौन सा हुआ एल्केलोसिस। लेकिन अब मुझे पता करना है क्या कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। तो मुझे पता है कि रेस्पिरेटरी के अंदर होता है तो सी डिक्रीज होगा है ना एसिडोसिस होता है सी इंक्रीज होता सी CO2 डिक्रीज होता है तो यहां देखा मैंने तो सी डिक्रीज है और सी डिक्रीज है मतलब रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस तो ये दो बातें हुई वन इज योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनदर वन इज योर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट तो ये बात पी एच डिक्रीज पी सी ओ टू इंक्रीज ये बता चुका हूँ मैं अब देखें आगे नेक्स्ट तो रेस्पिरेटरी एक्स एल्किलोसिस क्या होगा वही सी ओ टू इंक्रीज उसके बाद आपका सॉरी सी ओ टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के अंदर पी एच इंक्रीज सी टू डिक्रीज ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन दे और कॉजेज और साइन एन सिम्टम्स सीजर डीप रेपिड ब्रीदिंग हाइपर वेंटिलेशन टार्डिया डिक्रीज और नॉर्मल बी पी हाइपोकेलेमिया देखो अब आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ हाइपो केलीमिया क्यों होता है और हाइपर केलीमिया क्यों होता है जब एसीडोसिस होता है, है ना एसिडोसिस होता है तो एच प्लस एन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है एच प्लस एन ज़्यादा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा ये एच प्लस आइन सेल के अंदर चले जाते हैं और इंट्रा सेल्योर एन कौन सा होता है पोटेशियम तो पोटेशियम आपका बाहर आ जाता है पोटेशियम आपका बाहर तो इसलिए एसिडोसिस के अंदर ये प्लाज्मा के अंदर आ गया तो एसिडोसिस के अंदर हाइपर केलेमिया होता है हाइपर कैलीमिया लेकिन अगर एल्केलोसिस की बात करें तो एल्केलोसिस के अंदर क्या होता है एच प्लस एन की कंसंट्रेशन कम होती है और एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होती है तो सेल से एच प्लस आयन बाहर आते हैं तो यहाँ से पोटेशियम आयन अंदर चले जाते हैं तो जब पोटेशियम अंदर जाएंगे तो प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम कम और प्लाज्मा के अंदर कम होंगे तो दैट इज हाइपोकैलिनियम तो आप याद रख सकते हैं के लो के लो तो एल्केलोसिस के अंदर पोटेशियम कम होता है ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट तो ये तो बात हुई आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस की और कंपनसेशन बता ही चुका हूँ कि जब आपका बॉडी कंपनसेशन कैसा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर कंपनसेशन कैसा होगा तो आपका सी ओ टू ड्रॉप हो रहा है सी ओ टू ड्रॉप हो रहा है तो रीनल मैकेनिज्म ट्राइज टू कंपनसेट इंक्रीजिंग द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ बाईकार्बोनेट तो ये बाईकार्बोनेट भी बाहर निकाल देगा तो इसके साथ साथ बाईकार्बोनेट भी कम होगा जो मैंने आपको बताया था राइट right? और एसिड को बाहर नहीं निकल देगा उसका जस्ट उल्टा तो ये हुआ आपका एसिडोटिक कम्पन्शन एल्लोटिक रेस्पिरेट्री एसिडोसिस रेस्पिरेटी एल्किलोसिस तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए इसके अंदर हमने तीनों पार्ट देख लिए पार्शियली कम्पनसेटेड और फुली कम्पनसेटेड एंड अनकम्पन्टेड तीनों रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो गया मेटाबॉलिक थोड़ा और इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और उसके अंदर फिर आपका एनआईएन गैप तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे तो ये आपका एसिड और बेस इम्बेलेंस का पार्ट टू खत्म हुआ उसके आगे का लेक्चर अपन नेक्स्ट देखेंगे पार्ट थ्री को अपन दो दिन बाद देखेंगे तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ओके गाइस थैंक यू सो मच